प्रियंका जी अभी कुछ ही देरों में अपना रैली शुरू करने जा रही हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रियंका जी का क्या कहना है और इनका रोड शो किस तरह का जाता है। चिन्हट पे मौजूद हैं फैजान अहमद खान और आफ्ताब आलम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आफ्ताब सिंह न्यूज से। हम आ चुके हैं चिन्हट रहा जो पक्षी का तालाब का निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ के प्रत्याशी ललन कुमार जी हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी रोड शो करने वाली हैं। कांग्रेस का हुजूम जो है सवेरे से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे भाई, काफी मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस वाले। लेकिन देखना ये है कि प्रियंका गांधी जी के आने से चिन्हट वालों पे कितना फर्क पड़ता है या कितना वोट में तब्दील होता है। देखिए, बस्ती के तालाब विधानसभा में दो दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे अपने लापता विधायक को ढूंढने के लिए। 2000 की भी संख्या नहीं थी। अब आप बताइए कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो बस्ती के तालाब विधानसभा में इंटर कॉलेज में उनका प्रोग्राम लगा, 2000 की भी संख्या नहीं थी। अगर वो 5 साल काम किए रहते तो लाखों की भीड़ होती। और जहां तक रही बात कि 80-20 की बात कर रहे हैं, तो बक्सी के तालाब विधानसभा की जो 80% जनता है, जो गरीब है, मध्यम वर्ग है, जो दलित है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि आने वाले समय में हाथ के पंजे पे बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी का विधायक होने जा रहा है। ललन भैया, आज का जो युवा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्यों कांग्रेस से जुड़ेगा? देखिए, युवा साथी जो है हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे अगर वो परीक्षा भी देते हैं तो उनकी परीक्षाएं रद्द हो जाती है, अगर वो कहीं पे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उनके, आप जो देखते हैं कि गरीब मजदूर किसान वर्ग से आते हैं वो अपना टिकट करा करके वहां पहुंचते हैं, पास भी हो जाते हैं। जब उनको ज्वाइनिंग करने की बात आती है, जहां पे भी उनको नौकरी मिलने की बात आती है, तो ये जो तनाशाही सरकार है, इनका जो रवैया है वो हमारे युवाओं के ऊपर, जो इनके भविष्य के ऊपर, जो ये डाका डालने का काम कर रही है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का युवा अभी, प्रियंका जी आ गई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रियंका जी आ चुकी है। आराम से, आराम से, आराम से भाई। अब आपको हम दिखाते हैं कि जैसा कि प्रियंका जी हम लोग के बीच आ चुकी है और सारे युवा जो कांग्रेसी युवा है वो प्रियंका जी के पास जाने को तैयार हैं। एक मिनट, एक साइड दे दिए, साइड दे दिए। हम लोग के बीच में प्रियंका जी आ चुकी हैं और हम लोग प्रियंका जी के पास पहुंचने ही वाले हैं। एक मिनट, थोड़ा किनारे हो जाएगी, थोड़ा साइड हो जाएगी, थोड़ा साइड हो जाएगी सर, थोड़ा साइड। टिकटों में अब मां बहनों की 40 की होगी, जिससे दादी